तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्वागत करता हूँ मैं, क्योंकि इस वर्ष से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग पैसे जो है प्राप्त हुआ है, और उसमें से कुछ लाइनों के बारे में जानेंगे। और इस साल मध्य प्रदेश में कितनी लाइनें जो है आपको दिखाई देगी और कितने लाइनों पर काम चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो हर एक इश्यू को आज कवर करेंगे आज हम, और सब कुछ आज आपको क्लियर करके थोड़ा सा यहाँ पर हम सभी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश जो है करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले प्रोजेक्ट्स हुआ देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ जो प्रोजेक्ट है, जिसमें से आप यहाँ देखिए, थोड़ा और जूम करते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम, यह रेल लाइन काफ़ी दिनों से प्रस्तावित है और अभी भी इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। डूंगरपुर जो कि राजस्थान में आ जाता है, बांसवाड़ा और फिर वो भी उसके बाद रतलाम हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है, जिससे रेल लाइन का काम अभी तक जो है नहीं हुआ है, जिस पर काफ़ी कार्य जो है दोस्तों बचा हुआ है। इसके अलावा इंदौर, तो आपको पता है कि इंदौर से इस समय इतनी लाइनें निकल रही है, तो अलग अलग पैसे जो है बहुत बड़ी राशि जो है इस भर दी गई है मध्य प्रदेश के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। थोड़ा यहाँ पर आप जूम करते ही समझाएंगे आपको। देखिए इंदौर, आपको इंदौर जंक्शन है, इंदौर जंक्शन से आप राहू तक आते हैं, राहू से टीही तक तो आप जो है लाइनें स्टार्ट हैं। अब टीही से लेकर ना भाई, सबसे पहले आप धार आएंगे, जो कि पूरी लाइन जो है सेम है, गुनावत धार जो कि पीथमपुर टी टनल वगैरह भी काफ़ी सारी है, और आप पहुंच जाएंगे धार में। तो धार पे जो कि दो लाइनें निकल रही है, एक सरदारपुर होते हुए झबुआ होते हुए इसको दाहोद मिलाया जा रहा है, एक लाइन जो है सीधा जोबाट होते हुए सीधा निकल जाती है भाई छोटा उदयपुर की तरफ में। अब इसमें से खंडारा तक की नई लाइन है, बाकी क्या कहा दूसरा है दोस्तों। तो यह तो हो गई वह लाइन जिस पर कार्य किया जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा हम इस रेलवे लाइन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी अपडेट वगैरह भी जान लेते हैं कि कौन सी लाइन कितने किलोमीटर की दोस्तों लंबी है। तो देखिए आप धार से लेकर यहाँ पर टी जो कि कंस्ट्रक्शन है, 45 किलोमीटर का सेक्शन है धार से लेकर टी के बीच में। और धार का है भाई, धार है यहाँ पर और टी कहाँ पर, टी यहाँ पर है, तो यह लाइन आपको बता दिया है, फिर टी से आगे का सेक्शन है। तो यह तो है कोई एक लाइन, और आप आएंगे डॉक्टर अंबेडकर नगर से जो लाइन सीधा खंडवा की तरफ आती है ना, यहाँ भी काफ़ी सारे परिवर्तन और चेंजेस होने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या परिवर्तन होने वाले हैं, पहले की लाइन आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर नगर के बाद पाताल पानी कालखुर्द चोरल, फिर उसके बाद में मुख्तियारा बालवाड़ा, फिर आगे का सेक्शन सेम है, सनावत सर ओमकारेश्वर तक सेक्शन जो है सेम है। अभी अभी यहाँ की मीटर के स्टैंड को भी परमानेंट बंद कर दिया गया, अभी हाल ही की खबर है, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ है नहीं है। और ऐसे में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसको रूट्स को चेंज किया गया है, मतलब इन लाइनों पर काफ़ी बढ़िया था, मगर दोस्तों इन लाइनों पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मीटर गेज की लाइन को जितना आप जो है दोस्तों बिछाने में खर्चा नहीं आता है, उतना वहाँ पे उस पटरी को उखाड़ने में जो है डबल खर्चा जो है आ जाता है। और जो टनल वगैरह है, इसमें टनल वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रूट्स को चेंज किया गया। तो पाताल पानी के बाद अब जो रूट रहेगा कालकुंड ना जाते हुए बढ़िया बढ़िया से कुथाना, और फिर इसको चोरल में आकर मिलाया जाएगा, चोरल जो है सेम रहेगा, फिर चोरल के पैरेलल मतलब उसके बगल बगल इस रेलवे लाइन को गुजारा जाएगा, जो कि सीधा आकर मुख्तियारा बालवाड़ा में ज्वाइन किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि रूट्स काफ़ी चेंजेस है, जो आपको वाइट कलर की रूट दिख रही है पुराना रूट है, और जो वाइट कलर और साथ में रेड डॉटेड वाली आपको लाइन दिख रही है, यह नई रेलवे लाइन जो है बनने वाली है। तो इसका तो यह हाल हो गया जिसको हमने आपको थोड़ा समझा दिया है। अब दूसरी जो लाइन थी, जो कि सीधा आप देखते डॉक्टर अम्बेडकर नगर के पास से ही इसको जो है बनाया जा रहा है, जो कि सीधा निकल जाती है भाई ना, आप और हम आराम से समझाते हैं आपको। आप सीधा देखिए जो लाइन है, नरदाना में आकर जो है एक बार मिलती है, फिर नरदाना से धूले होते हुए या जो है मनमाड़ की तरफ निकल जाती है, जिसको हम लोग एक तरफ है मालेगांव वाली लाइन भी कहते हैं। तो यह तो हो गई वह लाइन जिस पर पैसा भी प्राप्त हुआ है। अब दूसरी रेलवे लाइन के बारे में जानते हैं। देखिए बैतूल, बैतूल मध्य प्रदेश का एक समय सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब बाकी रेलवे स्टेशन इस मामले में बाजी जो है मार ली है। तो बैतूल से रामगंज मंडी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों बैतूल से चांदूर बाजार जो कि बनेरा जंक्शन के पास में होकर गुजरता है, तो यह भी नई रेलवे लाइन है, इस पर भी कार होना है। अब उसके अलावा इटारसी
उसके ऊपर आप भोपाल देख सकते हैं। भोपाल से रामगंज मंडी के लिए एक नई रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है, जिसमें से 4 से 5 टनल भी हैं, जिसको हमने एक बार काफ़ी बार टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर इसको बहुत ही ब्रीफ से आप लोगों को समझा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी फिर इसको जोड़ दिया जाएगा झालावाड़ सिटी की तरफ में। तो भोपाल की तरफ भी एक रेलवे लाइन जो है यादी हो जाती है। बाकी फिर मध्य प्रदेश का अगर बात कर ही रहे ना, तो फिर देखिए खजुराहो से सतना के बीच में नई रेलवे लाइन प्रस्तावित है, जिस पर कार्य चल रहा है। रीवा से लेकर यहाँ पर मझौली के बीच में भी काम चल रहा है, जो कि पूरी तरह से नई रेलवे लाइन, जो कि सिंगरौली रीवा वाली रेलवे लाइन जो है इसको हम कहा करते हैं। हालांकि एक समय तो दोस्तों यहाँ पर मिर्ज़ापुर के लिए भी लाइन बिछाने की बात निकल कर आ रही थी, मगर वह प्रोजेक्ट कहाँ तब क्या दोस्तों, अभी तक इसके बारे में कुछ भी जो है क्लियर नहीं हुआ है। बाकी फिर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर कार्य भी किया जा रहा है। बाकी दोस्तों जो उसका और भी सेक्शन है जिस पर अभी कार्य किया जाना शेष है। फिलहाल हमने आपको यह जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम भी अभी किया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि खंडवा से लेकर यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि अमाकुर तक जो है गेज कन्वर्जन का काम शुरू है, क्योंकि वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। और फिर सनावा से लेकर ओमकारेश्वर रोड के बीच में भी गेज कन्वर्जन का कार्य को किया जा रहा है। तो धीरे धीरे छोटे मोटे काम और भी बड़े बड़े काम, तो हर जगह जो है काफ़ी सारे कामों की जो है यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो धीरे धीरे करके इन सभी कार्यों को किया जाएगा। और जैसे कि हमने आपको एक और रेलवे स्टेशन के बारे में बताया है कि बैतूल से लेकर चांदपुर बाजार का काम विशेष है, और जैसे जैसे इन कार्यों पर दोस्तों अच्छा खासा पैसा प्राप्त हुआ है, तो इस साल उम्मीद है कि सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इंदौर दाहोद वाला काम वर्ष 2024 के अंत तक बचे हुए कार्य और भी थोड़ा लेट पाप जो है होता रहेगा। फिलहाल इस वर्ष के लिए इतना ही काफ़ी सारा पैसा प्राप्त हुआ है। फिलहाल धन्यवाद, वंदे मातरम।